तो ये पत्नियां बाहर मैटनी शो देखने चली जाती हैं। ठीक है ठीक है, इससे पहले कि वो लोग वापस आ जाए अपने अपनी हालत सुधार लो। करेक्ट है। हाय डैडी। हाँ बेटी, कहाँ थी? टेरेस पे थी। हाँ। मम्मी किधर है? मम्मी नौकरी पे गई। नौकरी? डैडी, हाँ? मम्मी आ रहा है। क्या, वो भी नौकरी पे गई? तेरी आंटी मेरी अंजलि किधर है? आंटी भी नौकरी पे गई। नौकरी? कल से एकदम हम लोग बराबर करेंगे। थैंक यू, बहुत मेहरबानी है तुम लोग। चलो चलो बस पकड़नी है। रानी बेटी, होमवर्क कर लिया तुमने? होमवर्क भी हो गया, डैडी भी आ गए, बहुत गुस्से में है। कब आए आप? बस थोड़ी देर पहले। लेकिन आपकी ट्रेनिंग तो एक महीने की थी, दो दिन में किस? अरे ये क्या हो गया? ये सब छोड़ो, तुम नौकरी पे क्यों गई? देखिए, आप गुस्सा मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। मैं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम अच्छी तरह से जानती हो तुम्हारा नौकरी करना मुझे पसंद नहीं, फिर तुम नौकरी पे क्यों गई? मजबूरी थी। मजबूरी का नाम लेकर बनाओ एक और झूठी कहानी। झूठी कहानी मैं नहीं बना रही हूँ, आपने बनाई है। कंपनी की ट्रेनिंग और प्रमोशन का बहाना बनाकर आप हैदराबाद चले गए, और यहाँ दूध वाला, पाव वाला, राशन वाला, मकान वाला, सबके सब अपना कर्जा लेने के लिए हमारी गर्दन पे चढ़ गए। गली गली में अपने लोगों से कर्ज ले रखे। अरे अपने ऑफिस के चपरासी तक को नहीं छोड़ा आपने, उसे भी 25,000 का कर्जा ले लिया। आप जानते हैं घर आके उसने कितना बेइज्जत किया हमें, और उसी ने हमें बताया कि आपको नौकरी से भी निकाल दिया गया है। हाथ में पैसा नहीं, घर में पति नहीं, चारों तरफ से परेशानियां। ऐसी हालत में नौकरी पे नहीं जाते तो और क्या करते हो? मैंने ये नौकरी आपकी इज्जत बचाने के लिए की है, और अपना घर चलाने के लिए की है, और बहुत मजबूरी में की है मैंने ये नौकरी। मेरी नौकरी क्या चलेगी? तुमने तो मुझे बिल्कुल नकार आदमी समझ लिया है, और मर्द बनकर खुद पकड़ ली नौकरी। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? अगर पति पे कभी कोई मुसीबत आ जाए तो क्या पत्नी उसका साथ नहीं दे सकती? इसमें गलत क्या है? गलत है, सरासर गलत है। मैंने यही सोचा था कि मेरी पत्नी कभी नौकरी नहीं करेगी और हमेशा घर की चार दीवारी में रहेगी। तो ये ख्याल आपको रखना चाहिए कि आपकी नौकरी आपके हाथ से कभी ना जाए, और आपके घर की दहलीज पे कभी कोई खर्चदार ना आए, और आपके घर की कभी कोई बेइज्जती ना कर पाए। सारी गलतियाँ इसमें आपकी हैं। अरे की औरत तो मैं क्या बोली? मेरी बात क्या बात करी तू? तू मैडम ने कितना नौकरी पे बंधन की जाएगी, और मैं तेरा घर में बैठ के बर्तन मार दूंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? आज सवाल जवाब के मूड में नहीं हूँ सिस्टर। इसका तो खून कर डालूंगा, और इसका ब्लड ग्रुप का पता लगाऊंगा कि किस जानवर का खून है इसके अंदर। आज तुम्हें सोए हुए शेर को अपने बालों से झिझोड़ के उठाए, आज तेरे को दुनिया से उठाना। छोड़ यार मेरे को तू। अरे कोई बचाओ। बड़ी आए मर्द और मर्दांगी की बातें करने, अपनी पत्नी के सामने एक सच बोलने की औकात नहीं है तुम्हें? अप्पू मेरे को मारती है, इसको समझाना यार। अंजलि, दिस इज टू मच, थ्री मच, मगरमच्छ, स्टॉप दिस मच 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 ऐसे। अरे मर्दों को कई परेशानियां होती है, इसका मतलब ये है कि वो हर चीज आके औरतों को बताएगा? रुको रुको रुको। अरे ये सारी की सारी आग वो सामने रहने वाली झुमरी की लगाई हुई है। हाँ। उसकी वजह से हमारा घर मैदानी जंग बन गया है। एक दिन मौका देकर इसके घर की गैस लीक करो और माचिस जला के फेंक दो। हम किसी के बहकावे में नहीं आए हैं। आप मर्द लोगों से घर गृहस्थी नहीं चली तो हमने मजबूर होकर इस घर की दहलीज को पार किया है। आरा आरा आरा। कोई ना इनको अक्कल वाली घास खिलाओ। अगर हम लोग टाइम पे नौकरी पर नहीं जाते नहीं तो तुम्हारे बच्चे लोग ऐसे रास्ते में भीख मांगते होते। मेरे जूते में दाल खाने वाली जबान चलाती है। मुंडी काट कर रख दूंगा, पेट काट कर रख दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। बच गई। काट के फेंकोगे? काटो काटो, मैं भी देखती हूँ, काटो। सिस्टर एक मिनट, तुम सारा कर्जा चुका दो, हम नौकरी छोड़ देंगे। ए यूं यूं दो महीने में सारा कर्जा चुका देंगे जी। चुटकियाँ बजाने से कर्जा नहीं चुकेगा, करके दिखाओ दो महीने में। ओहो पति को चैलेंज कर रही हो? हाँ यस। अच्छा देख लेना, पति की बात ना मान कर जो तुम नौकरी कर रही हो ना, एक दिन तुम खुद पछताओगी, और तुम्हें खुद एहसास होगा कि हम सही थे और तुम गलत। और अगर तुम्हें ये पछतावा नहीं हुआ तो हम भी मर्द की औलाद नहीं। एक दिन तुम भी नहीं पछताए और तुम्हें भी ये एहसास नहीं हुआ कि तुम गलत थे और हम सही,
तो हम भी भारतीय नारी नहीं, हम भी साबित कर देंगे कि हम भी बहुत कुछ करके दिखा सकती हैं। देख लेंगे। हाँ हाँ देख लेना। देख लेंगे क्या, हम तुम्हें दिखा देंगे। आ, 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 हम भी तुमको दिखा देंगे। जाओ चैलेंज 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 यस चैलेंज। चलो पे क्यों गिरती है, मेरी नींद खराब हो रही है। अरे मैं थोड़ी कर रही हूँ, पीछे से आ रहा है धक्का। मैं क्या करूँ, वो इडियट पीछे से धक्का दे रहा है। कौन? वो। अभी उसको सीधा करती हूँ, उसको लेडीज टच की जरूरत है। जब से इन लोगों ने नौकरी पकड़ी है, हमारा घर इनके लिए गेस्ट हाउस बन गया है। हाँ, आती हैं, खाती हैं और चली जाती हैं। डैडी कल मैथमेटिक्स का एग्जाम है, थोड़ा पढ़ाओ ना। मैथ्स? बेटी मैं थोड़ा बिजी हूँ, जब मम्मी आएंगी ना तब पढ़ाएंगे। डैडी मम्मी तो सुबह से शाम तक नौकरी करती हैं, आपको तो कोई काम धंधा भी नहीं है। हाँ? बेटी ये तुमसे किसने कहा कि हमें कोई काम धंधा नहीं है? मम्मी ने। मम्मी ने? अब बच्चों की नजरों में भी इज्जत का खतरा किया हुआ है। बड़ी प्लानिंग के साथ इज्जत की वाट लगाई जा रही है। डैडी डैडी तेरी चड्डी कहाँ है रे? चिच्ची करके आया अब तो। अबे ओए चलते फिरते नंगे, चल उधर जा। ऐसे डरता यार, फिर करके आएगा, बार बार क्या करेगा तू? जल्दी दो वरना सूख जाएगा। अबे तेरा ची है क्या, भैंस के गोबर का उपला तो सूख जाएगा। हट अबे बेकार बेटा, पानी मार चल। अरे यार पढ़े लिखे इंसानों को क्या क्या काम करना पड़ रहा है यार। वोट दो पाँच। अबे चल पानी। डैडी डैडी क्या हुआ बेटा? मुझे बहुत भूख लग रही है। अबे यार बच्चों को बहुत भूख लगी है। भूख लग रही है। भूख लगी है, चुप भूख लगी है। हाँ और काम ही क्या है इसको, पहले लोडिंग फिर अनलोडिंग, दूसरा कोई काम ही नहीं है। चल जा कपड़े में, चल ये काम करते हैं, बच्चों को ले जाते हैं होटल में खाना वाना खिला के ले आते। अबे यार जेब में सिर्फ 100 रुपए बचे हैं, अगर ये भी खाने पीने के लिए खर्च हो गए तो कल सुबह सिगरेट और माचिस के लिए वीडियो के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा? इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्या कहता है? अरे खामोशी से दरवाजा बंद करके खाना पकाएंगे, पैसे बचाएंगे। फैंटास्टिक आइडिया यार। ये लोग अंदर क्या कर रहे होंगे क्या मालूम। हाँ, आज बहुत देर हो गई है। ओहो, हम लोग को बहुत लेट हो गया। क्या कर रहे हैं डैडी? डैडी रवि अंकल और विजय अंकल रवि अंकल के घर में कुकिंग कर रहे हैं। क्या बात है, हमारे नौकरी मिलने के एक हफ्ते बाद ही ये लोग इतने बदल गए। अरे वाह, उसमें ऐसा ही नहीं, हम लोग कमाने को जाते तो वो लोग भी शर्माते होंगे ना फुकट में खाना खाने को। चलो देखते यार, चावल में पानी डालूं या पानी में चावल डालूं? अरे अप्पू छोड़ यार, अगर आइटम अच्छा लगा तो हमारे बच्चे दोनों साथ मिलकर खाएंगे। और जो अच्छा नहीं बना वो कुत्ते को डाल देंगे। अगर कुत्तों ने रिजेक्ट किया ना तो ये खाना अपनी पत्नियों को खिलाएंगे। अच्छा तो आप लोगों की नजरों में हम कुत्तों से भी गए गुजरे हैं। हाँ अच्छा, तो चुपके चुपके हमारी बात सुनी जा रही थी। हाँ हाँ सुन लिया हम लोग ने, तुम कितने कुत्ते टाइप के आदमी हो ने वो मालूम पड़ गया। ये मुंह बंद करे तो मुंह तोड़ दूंगा। दाल में मसाला डालने की तमीज नहीं है। हाँ? मगर मुंह से मिर्ची निकलती है मिर्ची। ए, मैं दाल में मसाला डालूं या काला ग्रीस डालूं, पहले तू ये बता कि तू इतने बजे तक ठीक है। हम लोग बस में जा रहे थे तो एक बदमाश आदमी ने मुझे देख के ऐसे आँख मारी, उसको मैं ठिकाने पे लाई ना, इसीलिए हम लोग को देर हो गई। अच्छा इधर इधर क्या है? अपनी सड़ी हुई रोमांटिक लाइफ के सर पर हाथ रख के कसम खा, क्या उसने सचमुच तेरे चेहरे पे देख के आँख मारी? हाँ आँख मारी। अबे हराम खोर साले कमीने, 15 साल पहले आँख क्यों नहीं मारी बे? कम से कम ये मुसीबत तो मेरे गले न पड़ती। क्या बोला? हाँ? और एक बात ध्यान से सुन लो, हम मर्दों को औरतों से खिचखिच करने का टाइम नहीं है। तुमसे किचकिच करने के लिए हमारे पास भी टाइम नहीं है। ये क्या है हाथ में, ऐसे ऐसे कर रहे हो? ये चावल है, चावल। ये चावल नहीं है, ये कुड़की है। ये आदमी खाएगा ना तो पेट पे कोड़ बोल जाएगी। और ये क्या है? ये सब्जी बनाने का तेल। मिस्टर ये तेल नहीं है, कैस्टर ऑयल है, एरंडी का तेल। इसे सब्जी में डाल के बनाओगे ना तो लूज मोशन हो जाएंगे, समझे? ये तो 100% नमक होगा गारंटी के साथ। 100% नमक? हाँ। चूहे मारने का सफेद पाउडर है, खाओगे ना तो सीधे ऊपर। सुनो, औरतों का काम औरतों को करने दो। हाँ मर्दों के बस का रोग नहीं है ये,
समझे।